हेलो वंदे मातरम, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल्स आर वेरी गुड. एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री पोर्शन ऑफ योर सोशल स्टडी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. एंड आई होप यू ऑल गाइस कैन अंडरस्टैंड पार्ट वन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, राइट? सो लेट्स रिवाइज दैट पार्ट वन. हमने क्या लर्न किया था उसमें? कुछ पुराने ज़माने के सोर्सेज के पिक्चर थी, उसमें से हमने सारे वो चीज़ों की पिक्चर देखी थी जिसमें कुछ बर्तन थे, कुछ स्टैम्प्स थे, कुछ आइडल्स थे, राइट? और कुछ हमने ऐसा जाना था कि न्यूज़पेपर की मदद से हम हमारी हिस्ट्री को जान सकते हैं, और हमारी हिस्ट्री को जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज. उसमें ऊपर आपको एक यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है थिंक, विच इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बट चलो हम लर्न कर लेते हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड गिवन अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनी वन पर्सनैलिटी. जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक एक्टिविटीज़ देखी थी, उसमें आपको बोला गया था कि एक स्क्रैप बुक बनानी है, राइट? तो वो स्क्रैप बुक में हमने जो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी मदद से किसी एक पर्सन के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है. गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द पीरियड्स आर्किटेक्चर और एन इवेंट फ्रॉम योर स्क्रैप बुक कलेक्शन. अभी उसी स्क्रैप बुक कलेक्शन में से हमें क्या करना है? कुछ ऐसा आर्किटेक्चर यानी कि पुराने ज़माने का कुछ ऐसा बांधकाम है उसके बारे में, या तो फिर कुछ ऐसी इवेंट्स है, कुछ ऐसी घटनाएं बनी है उसके बारे में समरी देनी है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. नरेट एन इंसिडेंट और गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट एन हॉनरेबल पर्सन ऑफ योर विलेज और सिटी. अभी हमारे सिटी और हमारे गाँव के किसी सम्मानित हुए कुछ ऐसे पर्सन के बारे में हमें कुछ लिखना है. ओके, दिस इज़ अदर एक्टिविटीज. सो नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट. यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट एंड पर्सनैलिटीज ऑफ 20th सेंचुरी फ्रॉम आर्टिकल्स एंड फोटोग्राफ. अभी हमें इस 20th सेंचुरी के से कुछ आर्टिकल्स और फोटोग्राफ में से हम उसकी हिस्ट्री के बारे में अवेयर हुए हैं, हमें उसके बारे में कुछ समझ में आया है. सिंस अवर हिस्ट्री इज़ वेरी एंशिएंट. जैसे कि हम जानते हैं हमारी हिस्ट्री बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है. वी आर ऑलवेज ईगर टू नो वॉट पीपल वेर ईटिंग एंड वियरिंग इन, हाउ दे लिव्ड एंड इन वॉट टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड देन एक्टिविटीज दैट वी वेर अ पार्ट ऑफ द डेली लाइफ. यानी कि हमें बहुत उत्सुकता है हमारे पूर्वजों के बारे में जानने की कि वो किस टाइप का खाना खाते थे, वो क्या पहनते थे, कैसे घरों में वो रहते थे, और पूरा दिन वो मतलब कौन कौन से काम करते थे, राइट? क्योंकि तब तो ये सारी फैसिलिटीज़ थी नहीं. ये सारी जो इन्वेंशन अभी अभी हुए हैं वो उसकी मदद से हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है. अच्छे अच्छे घर है, हम पूरा दिन स्कूल जाना, फिर हमारे पेरेंट्स होते कुछ ना कुछ काम करना, ट्यूशंस अटेंड करना, फिर खेलना कूदना, ये सारे कामकाज हम करते हैं, राइट? तो तब वो ज़माने में वो लोग क्या काम करते हैं करते थे उसके बारे में हमें जानने में बहुत ही उत्सुकता रहती है. तो फॉर लेट्स अस गैदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस. अभी हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेस है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. देन फर्स्ट वन इज ताड़ पत्र एंड पोज पत्र. सो नाउ यू कैन सी वन पिक्चर्स, राइट, एंड सम हैंड राइटिंग्स ऑल्सो. ताड़ पत्र एंड पोज पत्र. अभी पहले के ज़माने में क्या था कि पेज नहीं थे लिखने के लिए, पेन पेंसिल ऐसा कुछ था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे पता है? जो पेड़ों की खाल होती है ना उसके ऊपर लिखते थे, और उनकी लैंग्वेज भी कुछ अलग थी. तब लाइक हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ये सारी लैंग्वेज थी नहीं, और वो उनको ये आती भी नहीं थी. सो नीचे पैराग्राफ में थोड़ा सा डिटेल में दिया है. सो लेट्स स्टार्ट द पैरा. वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू आउट वेरियस सोर्सेस. अभी कुछ अलग अलग सोर्सेज की मदद से हमें हमारा पास समझ में आता है. तो ताड़पत्र एंड भोजपत्र मैन्युस्क्रिप्ट रिटन मोस्टली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट आर सम ऑफ देम. अभी ताड़पत्र और भोजपत्र में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि जिसके ऊपर कुछ लेख लिखे गए हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हो, कुछ श्लोक होते हैं, कुछ सुविचार होते हैं, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, राइट? तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में. ब्राह्मी जो एक टाइप की उस समय की लैंग्वेज थी उसमें वो लिखी गई थी. भोजपत्र आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ ट्री नेम भोज. अभी जो भोजपत्र है वो किससे बनता था कि एक भोज नाम का ट्री था, उसकी स्किन यानी कि उसकी खाल से उसको निकालते थे और उसकी मदद से उसके ऊपर लिखते थे, और उसको हम क्या बोलते थे? भोजपत्र. और वो कौन सी ट्री से फाइंड आउट होता था? भोज. ऑल्दो
Most of Brahmi manuscripts have been destroyed by insects. Some are still preserved in temples, vihars, libraries and government museum. अभी ताड़पत्र एंड भोजपत्र वो जो थे वो ट्रीज की जो स्किन थे उसमें से बनते थे, तो अभी तक तो वो एकदम जैसे थे वैसे हो गए नहीं. कुछ इंसेक्ट्स जो थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ टेम्पल्स में, विहार्स में, लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट्स में, म्यूजियम में अभी भी वो रहे हैं. यूजिंग दिस सोर्सेस वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक लाइफ इन एंशिएंट टाइम्स. अभी इस हिस्ट्री की मदद से हमें किसके बारे में समझ में आता है, उस समय के राजाओं के बारे में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि उसके राजकाज के कार्यों के बारे में, वहाँ के पब्लिक की लाइफ कैसी थी उसके बारे में, और प्राचीन समय के बारे में हमें समझ में आता है, राइट. नेक्स्ट पेज पे एक फोटोग्राफ दी है, वो है रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शन. अभी स्टोन का मीनिंग क्या होता है, पत्थर, और स्टोन इंस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे भोजपत्र एंड ताड़पत्र है जो ट्रे की स्किन के ऊपर मेंशन किया गया है, कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स उसके ऊपर लिखी गई है, वैसे ही स्टोन के ऊपर पहले के ज़माने में कुछ लिखा गया था उसको हम बोलेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शन. और यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए है ऐसे ही स्टोन इंस्क्रिप्शन की. जो स्टोन इंस्क्रिप्शन किसको बोलेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ श्लोक होते हैं पहले के ज़माने में, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं. तब तो उनके पास कुछ था नहीं पेपर बुक्स की, चलो ये लिखते हैं और ये लोगों को बता देते हैं, तो वो कुछ याद रहे, यादी बनी रहे, मेमोरेबल रहे, उसके लिए वो किसके ऊपर लिखते थे, स्टोन के ऊपर, तो जिसको हम बोलेंगे स्टोन इंस्क्रिप्शन. तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने ताड़पत्र इन भोजपत्र के बारे में लर्न किया, देन आफ्टर हमने स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में लर्न किया. आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में लर्न करेंगे. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड